नमस्कार दोस्तों, देखिए आज रोज़ा का छवा दिन हो चुका है और छ दिन बीत चुका है, क्योंकि रोज़ा का रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जो हर एक मुस्लिम धर्म वाला आदमी है, जितना इंडिया भर में चाहे धरती पर जितना भी मुस्लिम जाति का धर्म लोग है वो सब किसी के घर में रोजी का एक बांधा चालू हो जाता है, क्योंकि रोज़ा का दिन में रमज़ान का महीना में फरिश्ता कायम रहता है मुस्लिम लोग का घर पर, जो नापाक फरिश्ता है वो फरिश्ता नहीं रहता है। तो आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप लोग रमज़ान का दिन में आप लोग रोज़ा रहिए और बहुत सवाब लीजिए रोज़ा रहकर, क्योंकि हम लोग रोज़ा रह रहे हैं। आज छठा दिन है रोज़ा का और कल सातवां दिन होगा, तो हम लोग डेली करेंगे रोज़ा। डेली करने वाला में से व्यक्ति हैं हम लोग, क्योंकि हर एक साल तीसों रोज़ा करते हैं हम लोग, क्योंकि 30 रोज़ा अदा कर हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं लास्ट 31वां दिन। तो आप लोग भी रहिए, क्योंकि मुस्लिम जाति से आप लोग आते हैं तो मुस्लिम धर्म के नाम पर आप लोग रोज़ा रहिए, क्योंकि दारू शराब शबाब जितना भी होता है सब छोड़ दीजिए, क्योंकि रमज़ान का महीना में एक ऐसा है जो जितना भी अपने हाथ से दान पुण्य करने से क्या होता है, जो अल्लाह ताला ने फरमाते हैं अपने ऊपर फरिश्ते जो बनाया गया है इंसान के लिए, वो पूरा कुछ अपने ही नाम से रखा जाता है, क्योंकि वो मरने के समय वो आपको मिलेगा, ज़िंदा में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग रमज़ान का महीना में अपने हाथ से जितना हो सके उतना दान पुण्य कीजिए और गरीब फकीर को खिलाइए, खाना खिलाइए अपने दरवाजे पर बैठा कर जितना हो सके उतना, क्योंकि जितना भी गरीब फकीर को खिलाइए नहीं आपको सवाब होगा। अपने हाथ से दान पुण्य कीजिए और घर के लोगों से सब दान पुण्य कराइए जितना हो सके उतना आप लोग डेली, क्योंकि ऐसा करने से आपका घर में बरंती होता है, जितना भी आपके घर पर रोग कष्ट होगा पूरा दूर होता जाता है, क्योंकि जब घर में आप रहते हैं किसी चीज़ के टेंशन रहता है तो समझिए वो भी परेशानी है। तो आप लोग गरीबों को मिस्किन को खिलाते रहिएगा खाना और दान पुण्य करते रहिएगा, तो आपको घर में बरंती होगा और ऊपर वाला आपके घर का जितना भी शैतान है घर पर वो सब फरिश्ता लोगों को ऑर्डर मिलता है और भगा देता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए आदमी हो तो, जब तक लिए फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कल सातवां दिन के लिए। जब तक लिए खुदा हाफिज़।